हेलो एवरीवन, डॉली किचन में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ इमली की चटनी, बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाएंगे। अक्सर हमने देखा होगा कि इमली की चटनी कई बार हम खाते हैं तो उसके अंदर हमें खट्टा और लगता है, हम गुड़ डालते भी रहते हैं फिर भी हमें खट्टा लगता है। तो आज एक स्पेशल टिप्स के साथ बनाएंगे इमली की चटनी, जिसमें आपको चटनी बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। ये मैंने 100 ग्राम लिया है इमली और 100 ग्राम इमली को एक गिलास पानी के अंदर सोक कर दिया है। यानी मैं इसे थोड़ा सा गैस पे रख के गर्म कर दूंगी, यानी गर्म पानी के अंदर आधा घंटा के लिए ये इमली जो है सोक करके रख देंगे ताकि इसका पल्प जो है अच्छे से तैयार हो जाए। तो ये मैंने लिया इमली, मैंने ये इमली लिया है, पैकेट आता है 200 ग्राम का और मैंने आधा पैकेट यूज किया है। आधा घंटा के लिए इसे मैंने भिगो के रख दिया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं बताना चाहूंगी कि आपने इसके सीड्स जो है पहले से निकाल लेने हैं। अगर आपने पहले से सीड्स नहीं निकाले तो जिस टाइम आपने इसको डिप करके रखा है ना, यानी सोक किया है, तो अब इसके आप सीड्स जो है निकाल सकते हैं, इजीली निकल जाएंगे। तो अब मैं इसे ब्लेंडिंग जार में डाल रही हूँ। अगर आपके पास मिक्सी नहीं है ना तो आप इसको ऐसे भी छलनी में छान सकते हैं। आप देख रहे हैं ना, इसको मैंने ब्लेंड कर दिया है और इसी भिगोने के अंदर ही मैं इसको छान लेती हूँ। आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से हमने छान लिया है और जो ये मोटा बीच में सामान रह गया है ना, ये अलग से निकल गया है। कुछ छानना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसे चटनी तैयार करते हैं। अब एक कढ़ाई में लेंगे थोड़ा सा तेल, बिल्कुल थोड़ा तेल लेना है, तेल ज़्यादा नहीं होना चाहिए, हल्का सा तेल को गर्म होने दें। यहाँ पे हम डाल देंगे थोड़ा सा जीरा और साथ ही हल्की सी हींग, यानी हींग पाउडर। अब इसके अंदर हम डालेंगे पल्प, जो हमने इमली का पल्प ग्राइंड करके छान के रखा है ना, इस पल्प को डाल देंगे, थोड़ा सा बॉयल करेंगे। अब इसमें हम डाल देंगे गुड़। 100 ग्राम इमली है तो इसके अंदर 200 ग्राम गुड़ जाएगा। गुड़ को मैंने पीस लिया है, यानी बारीक कर लिया है। अब इसके अंदर हम डालेंगे एक छोटा चम्मच नमक, लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा रख सकते हैं। ये हमने डाला जीरा पाउडर एक चम्मच, जीरा पाउडर से फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। अच्छे से गुड़ को हमने इमली के अंदर पका लेना है। फ्लेम हम मीडियम कर देंगे। बहुत ही आसान तरीका है इमली की चटनी बनाने का। यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं थोड़ा सा देगी मिर्च का यूज़ कर रही हूँ, जो कि तीखी नहीं होती बट इससे कलर थोड़ा सा आ जाता है। यहाँ हम थोड़ी सी शक्कर ले लेंगे, थोड़ी सी शक्कर भी इसमें डालेंगे इसको मीठा करने के लिए, क्योंकि गुड़ जो होता है उसके अंदर एक अपनी भी खट्टास होती है जिससे कि चटनी जो है खट्टी खट्टी सी रहती है। तो उसको थोड़ा मीठापन लाने के लिए, बैलेंस बराबर करने के लिए गुड़ और इमली का थोड़ी सी शक्कर का यूज़ करना ज़रूरी है। लेकिन अगर आप खट्टा ही खाना चाहते हैं, कई लोग होते हैं जो खट्टी पसंद करते हैं, तो वो शुगर को स्किप कर सकते हैं। 3 से 4 मिनट के लिए हम इसे पका लेंगे ताकि शक्कर से जो पानी निकलता है, यानी पानी छोड़ती है, वो सूख जाए अच्छे से, क्योंकि अगर बीच में पानी रह जाएगा तो चटनी हमारी ख़राब हो जाती है। तो हमने चटनी को अच्छे से पकाना है ताकि हम इससे सालों साल रखें और ये ख़राब ना हो। अब इसे हम गाढ़ा करने तक पका लेते हैं। आप देख सकते हैं कि चटनी हमारी पूरी तरह से पक गई है। कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, क्योंकि अभी ये ठंडी होगी, ठंडी होने के बाद ये थोड़ी सी और गाढ़ी होगी। फ्लेम हमने ऑफ कर दी है और इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं। ठंडा होने के बाद हम इसे किसी भी कंटेनर में, किसी भी सॉस बॉटल में भर के सालों साल रखें और अपनी इमली और गुड़ की इस चटनी को एंजॉय करें। तो यहाँ मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं। मैं इसमें थोड़े से मगज़ डाल रही हूँ इसे गार्निश के लिए। मुझे मगज़ बहुत पसंद है, इसलिए मैंने चटनी में थोड़े से मगज़ डाले हैं। उम्मीद है आपको ये मेरी रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।